गुरु की नगरी आनंदपुर साहब के नेड़ले पिंड तारापुर विच स्थित भाई कन्हैया जी का स्थान अज भी संगतां लई खिच दा केंद्र है। अते इस स्थान ते साला पहलां दियां बौलियां अज भी उस तरह ही मौजूद हन। अते इन्हां बौलियां दे पावन जल नूं ग्रहण करके संगतां अपने जीवन नूं सफल करदियां हन। गुरु की नगरी आनंदपुर साहब तों लगभग 6 किलोमीटर की दूरी ते स्थित शिवालिक दियां खूबसूरत पहाड़ियां च घिरिया भाई कन्हैया जी दे तप स्थान ते अज विशाल गुरद्वारे दा निर्माण करवाया जा चुका है। बेशक देश दे लोकां नूं इस स्थान संबंधी ज़्यादा पता ना होण दे कारण संगतां दा आउणा जाणा घट ही हुंदा है, पर जिस खूबसूरती नाल इस स्थान ते गुरद्वारा साहब दा निर्माण कार सेवा वाले संत बाबा लाभ सिंह जी ने करवाया है, उस तों इस स्थान ते आ के मन नूं सच्ची शांति मिलदी है। इस स्थान ते अज भी भाई कन्हैया जी दे नां नाल जानिया जाण वालियां बौलियां, भाई कन्हैया जी दा तप स्थान अते होर कई पुरातन वस्तुआं मौजूद हन जिन्हां नूं इत्थे संभाल के रख्या गया है। इस चौंकी के उत्ते बैठ के बाबा जी तपस्या करते थे। इस स्थान पर बाबा ने बहुत समा तपस्या करके संगतों का भला किया। साध संगत जी ये कुंडा ये बाबा जी सरदारी रगड़ते रहे ते हुण भी बारह साध संगत जदों भी कोई प्रेमी ढिला मठा हो जाए तो प्रेमी सुख सुख के जाते हैं तो सरदारी का रगड़ा ला के इतने संगतों को छका देंगे हैं जी। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज यह स्थान पंजाब सरकार के प्राचीन इतिहासिक पुरातत्व स्थान संभाल संबंधी कानून तहत सुरक्षित है। सरकारी हुक्मां नाल इत्थे एक बोर्ड भी लगाया गया है जिस ते साफ शब्दों विच लिखा गया है कि इन्हां यादगारां नाल छेड़छाड़ करन वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना अते सज़ा की व्यवस्था है। जानकारां दी मन्निए तां जदों सरकारी नलके नहीं हुंदे सन तां पेंडू इन्हां बौलियां तों पाणी भर के लिजाया करदे सन। अते इस स्थान ते बने गुरद्वारे दा निर्माण इन्हां बौलियां दे पाणी तों ही होया है, पर अज तक इन्हां विच कदे भी पाणी खत्म नहीं होया। अज भी इन्हां बौलियां दा पाणी पूरी तरह ठंडा अते साफ है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास भाई जरनैल सिंह आप जी नूं गुरद्वारा मंजी साहब बौलियां भाई कन्हैया जी दे बारे जिन्नी कु जानकारी सीना बसीना है वह तुहाडे नाल सांझी कर रहा। कलगीधर पातशाह दे पांच किलियां विच्चों एक किला तारागढ़ सी जिथे ब्रह्म ज्ञानी रहिंदे सन, जिहड़े कि कोई लड़ाई नहीं सी करदे कोई कुछ नहीं, ते जख्मी वगैरह भी इस तारागढ़ वाले पासे लै जांदे सन। भावें भाई कन्हैया जी किला आनंदगढ़ साहब की बौली विच्चों जल लै के दुश्मन नूं ते लड़ाई करन वालियां नूं पलांदे सन, पर प्रशादी हाथी दे नाल खेलां करनियां उहदे करतब देखणे प्रशादी हाथी तारागढ़ विखे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं इह भाई कन्हैया जी दीआं बौलियां जिथे अस्थान बणिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश है इस अस्थान नूं मंजी साहिब कहिंदे ने। भाई कन्हैया जी भी जंग तो वेले हो के इसे अस्थान ते रहिंदे सन। उन्होंने 7 बौलियां बनाईया हुई सन जिन्हां दा पानी कदे सुकदा नहीं सी, ते समें दी गर्दश नाल वह बौलियां भी समें नाल ढकियां गईयां, ते समा आया ये 3 बौलियां जिहड़ियां ने ये मुड़ के दोबारा प्रगट कीतियां गईयां। श्रीमान संत बाबा सेवा सिंह जी दा बहुत ही उपराला हुंदा सी, पिंड वालियां ने भी मेहनत करके ये बौलियां प्रगट कीतियां। सत्कारयोग संत बाबा लाभ सिंह जी ने यह जगह मुल खरीद के ते गुरद्वारा निष्काम सेवक जथा बर्मीगम वाले संत बाबा महिंदर सिंह होरां दी प्रेरणा सदका संत बाबा महिंदर सिंह होरां ने योगदान पाया ये बौलियां जिहड़ियां प्रगट कीतियां ते ये गुरु का स्थान बनाया। इन्हां बौलियां ते भाई कन्हैया जी जिन्हें फट्टड़ हुंदे सन भावें हिंदू होवे मुसलमान होवे सिख होवे इन्हां बौलियां दा जल दियां पट्टियां उन्हां ते बन्नियां जांदियां सन और हमेशा भिओं के रखियां जांदियां सन, जिहड़ा कि 4-5 दिनां तो पहलां जख्म ठीक हो जांदा सी। कृपानां नूं जहर वालियां पुट्ठां भी दित्तियां जांदियां सन, पर उस वेले इस जल दी इन्नी शक्ति सीगी। इन्हां बौलियां ते
भजन करने वाले बंदे रहिंदे सन, ब्रह्म ज्ञानी रहिंदे सन और बौलियां नू बहुत बहुत पवित्र मन्या जांदा सी। इन्हां बौलियां ते हुण भी जिहड़े पुराने साधु है वो आके सुखमनी साहब दे पाठ, जपजी साहब दे पाठ आके करदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा है, जिहो जिहा ये बौलियां ने उहो जिहा ही भाई घनैये जी का अस्थान संत बाबा महिंदर सिंह जी निष्काम सेवक जथे दे पूर्ण सहयोग नाल श्रीमान संत बाबा लाभ सिंह जी ने बनाया।